हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज नेहा। आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ। बहुत बेहतरीन उनका बयान होता है। ऑलरेडी मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो पे रिएक्शन दिया है। मुझे हर बार उनकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वो हर बात रेफरेंस के साथ करते हैं, हदीस का हवाला दे के करते हैं और कुरान के जो उनके क्लासेस हैं तर्जुमे के साथ उन्होंने बयान किए, बहुत बढ़िया हैं। आप लोग कर उनकी वीडियो को देखिएगा। मैं धीरे धीरे करके उनकी ज्यादा वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, रिएक्शन देने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी वीडियो पे मैं रिएक्शन बहुत सारी दे पाऊँ क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनकी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अभी मैं उनकी जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका टाइटल है हु इज अल्लाह अज़्ज़वजल। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। हिदायत पोर्टल चैनल से मैंने उनका ये वीडियो लिया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग ये बयान सुनते हैं साथ में, बिल्कुल स्टार्टिंग। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसने जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान सकता। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़े जो उसके उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसमें उसने जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल, नहीं माने। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोजज़ात हैं, लेकिन हम इन मोजज़ात के आदि हो चुके हैं क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है, लेकिन साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, 1 से उसने हाथ उठा लिए, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। व्हाई, व्हाट और हाउ। व्हाई, व्हाट और क्यों, पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, व्हाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत, वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर। तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कानून खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना जब उनको बताया जाता अंडे से चूजा निकलता है बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है, ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक ही आगे जाते हैं, एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान ली, पैदा हम कर ही नहीं सकते, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है, वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है, कि जब ये मोर पर फैलाता है ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर
क्रिएटर का कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथियज्म की, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज़ को साबित किया, जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है, सूरज मशरक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। आप जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को, उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया, हाइड्रोजन ने पैदा किया, वो तो खुद पैदा हुई हुई है। तो हर चीज को डिप डीक करेंगे एक सुप्रीम बीग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले, सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर, मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1,00,000 दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में जिसकी लेंथ 1,00,000 किलोमीटर है, ये तो आज साइंस की बरकत है ना, रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, दो ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है, इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज इंसान को अल्लाह तआला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया, लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज जिंदा से ही बन रही है, अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा, और दरख्त कहां से आया है, तो कहते फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, दरख्त को मानना पड़ेगा फिर आगे चलेंगे आप, तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया हुआ ना असल में उसको डीप डीप करेंगे ना तो उसके बनाने वाला, ठीक है ना, तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल्लज़ीन यख्शौन रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन वअजरुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम, वरना तो इम्तिहान रहेगा, ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से या है, खुद बैकफुट पे है, मुझे तो हर चीज में खुदा नजर आता है, मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये तरबूज बना जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है, वो जितने बीज हैं एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है, वैसे ये आपकी डेयरी में तरबूज पड़े रहते हैं खराब ही नहीं होते हैं, काटने की देर है, मतलब फ्रिज में रखना पड़ जाता है अगर फ्रिज में ना, सर हर चीज में खुदा, बिल्कुल बहुत सही बात बोली इंजीनियर साहब ने, मतलब एक एक चीज में खुदा दिखता है, तरबूज काटो तो दिखता है, अंडा होता है उसमें देखो कि अल्लाह की कुदरत किस तरह से बनाया है, तब एक एक चीज में खुदा दिखता है, हम बिना देखे उस खुदा की इबादत करते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा है, बैकफुट में खुदा है, लेकिन उसने अपनी चीजों को जो उसने कुदरत अपनी दिखाई है अपने चीजों को, पहाड़ नदी बारिश कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बनाने वाला क्रिएटर कैसा होगा, जो वो बनाई है चीजें वो ऐसी हैं, तो बहुत बेहतरीन बातें थी इंजीनियर साहब की। और एक बात उन्होंने बोली जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अपने बचपन की याद आई, मैं ऐसे क्वेश्चन करती थी अपने बड़ों से, अल्लाह कौन है, हमें किसने बनाया, मतलब इस तरह के बेहुदा सवाल मैं पूछा करती थी, बाद में मेरे बड़े मुझे समझाते थे ये शैतानी बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, अल्लाह की इबादत करना उसको बिना देखे यही सही और सही ईमान है, सच्चा ईमान है, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना बचपन में, अल्लाह ने ये किसे बनाया, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह हमें दिख क्यों नहीं रहा है, ये बारिश कैसे आ रही है, मतलब अजीब से क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो सारी चीजें मुझे वही वीडियो देखते देखते अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई,
मेन बात है बिन देखे उस खुदा की इबादत करना, उस पर ईमान लाना, उसकी कही हुई बातों पे जो कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचाएंगे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक लेकर आए हैं वो बातों को समझना है, वही चीज़ों पे चलना है, वही हमारा सही ईमान है। नमाजों की पाबंदी करना, कुरान को तर्जुमे के साथ सुनना, वही हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।